दोस्तों राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। इससे बछड़ी की वीडियो मैं अपनी कि आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ और अब भी शेयर कर चुका हूँ। पिछली एआई मैंने इसको करवाई थी 11 मार्च 2022, लेकिन अब फिर से ये जो है हिट में आ गई है 15-16 दिन के बाद। तब भी ये हल्की हिट में थी, सिम्टम्स दिखा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों कंस्यूम नहीं किया। S34 का सीमन यूज़ मैंने इस पर किया था, और आज जो मैं इस पर दोबारा से जो सीमन यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि S34 साहिवाल में सबसे ज़्यादा ब्लड हैवी मिल्क लाइन का बुल है। इससे ज़्यादा किसी का बुल का जो है मदर साइड से मिल्क नहीं है। और ये मेरी बछड़ी आप देख सकते हैं, साहिवाल के करेक्टर्स मेरे को इसमें नज़र आते हैं, इसलिए मैं इस पर S34 का सीमन यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लोग पता नहीं भाई क्या क्या तो यूज़ कर लेते हैं और क्या क्या लोग बता देते हैं, इसलिए मैं आज अपने पशुओं पर जो भी सीमन यूज़ करता हूँ आप सभी को जो है वो चीज़ें दिखाता हूँ, और जब रिज़ल्ट आएंगे वो भी दिखाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में सोशल मीडिया पर भी मैं काफ़ी देखता हूँ, बहुत सारी पोस्टें आती रहती हैं कि भाई वो इनब्रीडिंग का, वो इनब्रीडिंग का है, कोई उसके बारे में कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। तो जो मैं सीमन यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपकी जो है सर्टिफिकेशन के लिए भी आपको दिखा रहा हूँ। तो इस पर अब की बार भी मैं S34 का सीमन यूज़ कर रहा हूँ, अब की बार भी इसने डिस्चार्ज डाला है अच्छे से, और AI करवा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम डालेगी तो नेक्स्ट टाइम भी करूँगा। और एक बात और मैं इस वीडियो में बता दूँ, काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट इस बात को लेकर आते हैं कि मैंने आज सीमन यूज़ किया है और तीसरे दिन वो डिस्चार्ज दे रही है। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि वो कंसीव करे या ना करे, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है 2-3 दिन वो हीट में, आपने क्या पता वो लास्ट में उसने कंसीव करना हो और आपने पहले टाइम में AI करवा दी उसके बाद नहीं करवाई। तो ऐसे ऐसे भाई कि कमेंट करते रहते हैं कि आप हमारा रिप्लाई नहीं करते। तो भाई आज आपने सीमन करवाया है, हो सकता है वो कल भी हीट में हो, आप ना करवाएं, हो सकता है क्योंकि 3 दिन तक भी गायें हीट में रह जाती है, तो उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूँ, क्या बताऊँ आपको, आप खुद भी समझदार हैं। हीट का डिस्चार्ज अलग होता है, कंस्यूम कर, और जब हीट कम हो जाएगी, हीट जो है हीट का ढलता टाइम जाएगा तो डिस्चार्ज गाढ़ा होता चला जाएगा। तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे भाई इस बात का बुरा भी मानते हैं कि आप हमारे जो है सवालों का रिप्लाई नहीं करते। भाई साहब देखो, इस बारे में तो मैं क्या कोई भी धरती पर डॉक्टर होगा दूसरे तीसरे दिन ये नहीं बता सकता इसने कंस्यूम किया या नहीं किया। और बहुत सारे भाई इसी चीज़ को बार बार पूछते रहते हैं, तो कम से कम 10 दिन आप वेट करें, तब वो गाढ़ा डिस्चार्ज दिखाई, तब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने कंस्यूम कर लिया होगा। अब मेरी खुद की एक गाय है, उसने सारे सिम्टम्स सीमन के बाद ऐसे दिखाए कि भाई वो जैसे उसने कंस्यूम कर लिया, लेकिन 21 दिन के बाद वो 19वें दिन फिर से हिट में आ गई। और मैं उसको कम से कम कई बार सीमन करवा चुका हूँ, कभी वो कंस्यूम करेगी तो उसकी वीडियो तब मैं आपको दिखाऊँगा, आज तक तो मैंने उसकी आपको वीडियो भी नहीं दिखाई है। तो इस पर आज फिर मैंने S34 का सीमन यूज़ किया, ताकि कोई भाई ये ना बोले कि आपने पहले सीमन यूज़ किया था। बहुत सारे भाई ऐसी चीज़ें नोट करते रहते हैं, और इसकी इतने दिन बाद डिलीवरी हो गई तो आपने इसमें कुछ मिसिंग है, तो इसलिए मेरा मोटिव था आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का, S34 का जो सीमन मैंने यूज़ किया है।